वेलकम टू माय चैनल लर्न पर क्लिक। लर्न पर क्लिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आए हैं एक्सेल में। यदि आप ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने कुछ नंबर लेके रखा है। तो ये जो नंबर है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो भी पॉजिटिव नंबर हो उसका कलर ग्रीन हो जाए और जो नेगेटिव नंबर है उसका कलर रेड हो जाए। तो इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, अभी अगर हम करेंगे तो एक एक करके सबका नंबर को सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर कलर को सेलेक्ट करके कलर चेंज करेंगे। लेकिन मैं आपको ये करने, चूँकि अगर डाटा बहुत ज़्यादा हो तो वो करने के लिए मैं आपको बताऊँगा और एक ही बार में आप सारे के सारे पॉजिटिव नंबर का कलर ग्रीन कर सकते हैं और नेगेटिव का रेड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह करना है। तो सबसे पहले इस नंबर वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बटन के साथ वन, याद रहे कंट्रोल बटन के साथ वन प्रेस करना है। वन प्रेस किया और यहाँ पे आ जाना है कस्टम में। एक हमारे पास फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आ गया, कस्टम में आ जाएंगे। कस्टम को क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो जनरल लिखा हुआ है इसको डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन लिखना पड़ेगा। फंक्शन क्या होगा, तो ये बड़ी ब्रैकेट हम लोग कहते हैं, बड़ी ब्रैकेट को डालें और यहाँ लिखेंगे कलर, COLOR। कलर के साथ यहाँ पे लगाना पड़ेगा फोर। फोर हमने इसलिए डाला है कि चूंकि हमको ग्रीन कलर लेना है तो ग्रीन कलर का कलर कोड होता है फोर, इसलिए हमने यहाँ पे फोर लिखा। अब इस ब्रैकेट को मैं बंद करूंगा। ब्रैकेट को बंद करने के बाद डबल हैश टाइप करेंगे, उसके बाद कॉलन से इसको सेपरेट कर लेंगे। फिर से ये हमारा ग्रीन के लिए हुआ और अब रेड के लिए फिर से हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं और फिर लिखना पड़ेगा COLOR। कलर लिखने के बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे थ्री। थ्री इसलिए कि रेड कलर का कलर कोड थ्री होता है। फिर अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद इस जगह पे लगाएंगे माइनस का चिन्ह, क्योंकि माइनस में हमको चाहिए, और दो बार हैश लगा देंगे और ओके बटन को क्लिक कर लेंगे। जैसे इतना करते हैं आप देख सकते हैं जो भी हमारा पॉजिटिव नंबर था उसका कलर हो गया ग्रीन और जो नेगेटिव नंबर था उसका कलर हो गया रेड। आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। ट्रिक नंबर टू, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सेल है, इसमें मैं कुछ नाम इनपुट करता हूँ। जैसे सपोज कीजिए हमने यहाँ लक्ष्मी और इंटर किया तो इसके पहले डॉट आ गया। हम यहाँ टाइप किए रीना, इंटर किए डॉट आ गया। हम टाइप किए रिया, इंटर किए डॉट आ गया। हम टाइप करते हैं आनंद, इंटर किए डॉट आ गया। तो एक्सेल में इस तरह का डॉट किस तरह से आप ला सकते हैं अपने टेक्स्ट के पहले किस तरह से आप बुलेट को इंसर्ट कर सकते हैं, वो हम आपको सेकंड ट्रिक में बताने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए करना क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे 149 और 149 लिखने के बाद इसका मैं थोड़ा सा सेल का साइज बढ़ा देता हूँ। 149 लिख लेंगे और यहाँ पे कैरेक्टर फंक्शन को लगाएंगे इक्वल टू CHAR, ब्रैकेट को ओपन किए और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट को क्लोज किए और एंटर। ये अब हमारा आ गया डॉट, ये हमारा बुलेट आ गया। बुलेट आने के बाद इसको कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, Ctrl+C, Ctrl+C दबा के कॉपी कर लिए। इसके बाद का जो अगला स्टेप है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा Alt+E और S, Alt+E+S। Alt+E+S प्रेस करने के साथ क्या होता है, पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इस पेस्ट स्पेशल के डायलॉग बॉक्स में हम यहाँ पे वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं और ओके को क्लिक करते हैं। जैसे वैल्यू को सेलेक्ट करके ओके को क्लिक करते हैं, ये टेक्स्ट हमारे यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब F2 बटन को दबा के
इसको कॉपी कर लेना है। F2 बटन को दबा के कंट्रोल सी से हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लिए। कॉपी कर लेने के बाद फिर सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, कहाँ पे आपको इस तरह का लिखना है। इस तरह से आप सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर से कंट्रोल और 1 प्रेस करेंगे, पुनः कस्टम में चले जाएंगे और यह जनरल को हटा के इस जगह पे हमको करना पड़ेगा इसको पेस्ट। तो कंट्रोल प्लस भी दबा देंगे, वो हमारा बुलेट आ गया। और स्पेस देना जरूरी है, स्पेस देना ना भूलें। स्पेस देने के बाद यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक @ एक बार टाइप कर देना है। यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे @ पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद ओके बटन को क्लिक करेंगे। जैसे इतना करते हैं अब देखते हैं लिख के कि इसमें आता क्या है। तो हम लिखते हैं पवन, नहीं आया। तो चलिए एक बार देखते हैं। अब यहाँ पे सेल रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको F2 दबा के कॉपी कर चुके हैं, सेल रेंज को सेलेक्ट कर लिए। सेल रेंज को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ 1 बटन को प्रेस करेंगे, चले आएंगे कस्टम में। यहाँ पे हमारा SD डाला हुआ है। अब इसके साथ हमको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे डाल देंगे @ और ओके को क्लिक करेंगे। जैसे इतना किए अब हम कुछ लिख के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं RCSM लिखे, यहाँ पे आ गया हमारा बुलेट। अगर इसके साइज को बड़ा करना है तो टेक्स्ट साइज को हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं। ये हो गया, फिर हम जो भी लिखना चाहें ABHINAB अभिनव लिख दिए, बड़ा हो गया। ANUMEHA अनुमेहा लिख दिए, बड़ा हो गया। पंकज, आप कोई भी नाम कुछ भी आप लिख देंगे, इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक बुलेट आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएंगे। और यदि अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये वाला चीज़ कोई देख ना पाए तो इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो है ना बहुत मज़ेदार ट्रिक। तो चलती है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।